ऐसा डॉक्टर है, इसके पास एक दफ़ा ना वो मरीज़ आ गया, तो मरीज़ आके उसने बोला डॉक्टर साहब हमारा बेटा जो है ना ये खंभे पे चढ़ गया था, तो अब ये गिर गया, इसको चोट लगी, इसको ज़रा दिखा दे। ये उसको देखने के लिए गया तो उसको कीड़े मार दवाई लिख के दे दी इसने। उसने बोला डॉक्टर साहब हमारे बेटे को चोट लगी और आपने इसको कीड़े मार दवाई को लिख के दे दी। कहता इसके अंदर कीड़ा था तो ये खंभे पे चढ़ा था ना। है खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं। यार दोस्तों, सब लोग कहते थे तुम्हारी वाली दुनिया से अलग है। हाँ यार, इतनी अलग यार, मुझसे ही अलग हो गई यार। यार शायद वो जो हमारा दोस्त पाकिस्तान से आया उसका किस्सा तो सुनाओ। कौन सा वाला किस्सा? यार वो फोन वाला। ओह अच्छा। यार दोस्तों बड़े मजे का किस्सा आपको मैं बताता हूँ। हमारा एक दोस्त है, कजन भी है हमारा, वो पाकिस्तान से आया नया यहाँ पे ना, तो शाम को यहाँ शिकागो में कहीं घूम रहा था, तो उसको एक गोरी उसके साथ फंस गई। वो बड़ी उम्र की थी, बड़ा यंग था, बड़ा नौजवान हैंडसम प्यारा, तो इसको वो अपने घर ले गई। इसने बोला समझा कि शायद कोई नौकरी शौकरी मुझे मिल जाएगी, मैं जहाँ जाए यहाँ पे आते ही मुझे काम मिल जाएगा। तो वो उसके घर चले गया, तो उसने बोला अंदर आ जाओ, वो उसको अंदर ले गई। अंदर ले जाने के बाद घर के, तो वो अकेली रहती थी, उसको बोलती कि सारे दरवाजे बंद कर दो, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। उसको बोलती खिड़कियाँ भी बंद कर दो, वो उसने खिड़कियाँ भी बंद कर दी। बाद में वो उसने बोला लाइटें भी बंद कर दो, उसने लाइटें भी बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ, तो वो बेड पे लेट गई, उसने आंखें बंद कर ली और उसको बोलती है कि जो कुछ लूटना है वो लूट लो। तो हमारा बेवकूफ जो है वो दोस्त ये वाला मोबाइल वहां से उठा के तो भाग गया वहां से। ये देखो आप S20 सैमसंग। दोस्तों ये मेरा दोस्त जो है ना ये तुर्की से है और इसकी बीवी पाकिस्तान से है। इस बेचारे को ना उर्दू की सही समझ नहीं आती। ये कल से घर नहीं गया, क्योंकि कल जब ये घर से निकला तो इसकी बीवी ने इसको बोला कि तुम शाम को जल्दी आना, मैं मुर्गा बनाऊंगी। तो ये समझा कि शायद इसको मुर्गा बनाएगी, इसलिए ये घर नहीं गया। और तो मैं मुर्गा नहीं बनाना, उसने खाने का मुर्गा बनाना था। जाओ घर जाओ। दोस्तों ये आज मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो बार बार गलतियां करते हैं और बार बार जो लोगों का दिल दुखाते हैं। उन लोगों के लिए है जो आपके पास आते हैं, बोला कि मुझे माफ़ी दे दो, आप उसको माफ़ कर देते हैं, बार बार आपका दिल दुखाते हैं, फिर आप फिर उसको माफ़ कर देते हैं। जब आप उकता जाते हैं कि इतनी माफ़ियाँ इतनी गलतियाँ, मैं कब तक तुम्हें माफ़ करता रहूँगा, फिर आपको वो एक डायलॉग सुनाते हैं। वो कहते हैं कि यार जब खुदा माफ़ कर देता है तो तुम मुझे क्यों नहीं माफ़ करते। खुदा का हुक्म तो आपको बताते हैं, वो आप खामोश हो जाते हैं, मगर आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने क्या कहा है कि मोमन जो है वो एक सुराख से तीन दफ़ा नहीं डसा जाता। उन लोगों को ये हदीस मुबारका क्यों याद नहीं आती, को हमें मोमन नहीं रखना चाहते? तुम बार बार गलतियां करते हो और बार बार माफ़ियाँ मांगते हो, बार बार दिल दुखाते हो और चाहते हो कि मुझे माफ़ी दी जाए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो हम क्या बोलें कि अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें मोमन नहीं बता रहे, तुम सही मोमन नहीं रहोगे। तो दोस्तों अल्लाह का हुक्म याद है तो अल्लाह के नबी का हुक्म भी याद रखो, बार बार दिल मत दुखाओ, वरना हम लोग जो हैं वो मोमन सही नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यार दोस्तों मेरे मोहल्ले में ना कोई फौत हो गया, तो मैं उनके घर पे जा रहा हूँ दुआ करने के लिए। यार चलो आओ मेरे साथ चलते हैं यार, दुआ करते हैं यार, ठीक है? चलो आओ। अच्छा भाईजान, अल्लाह का जो हुक्म, अब मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो भाईजान वैसे मरने वाला का उसको मसला क्या था? उनके गुर्दे फेल हो गए थे। गुर्दे फेल हो गए थे? हाँ। दोनों फेल हो गए थे? दोनों फेल हो गए थे। स्कूल नहीं जाते होंगे? अच्छा दोस्तों इसकी एक अजीब बात तुम लोगों को मैं बताता हूँ। ये एक दिन कहीं जा रहा था तो ये गिर पड़ा, जैसे ही गिरा तो इसकी पीछे से पैंट फट गई और पास एक दर्जी था, फौरन भाग के उस दर्जी के पास चला गया।
उसने बोला कि भाई जल्दी जल्दी मेरी पैंट सी दो यार, पीछे से फट गई है, तो मैंने घर जाना। उसने बोला ठीक है, और इसने उससे कीमत पूछी नहीं कितने पैसे लोगे। जब उसने पैंट वेंट सी दी तो उसने बोला कितने पैसे, उसने बोला कि 1,000 रुपया। इसने बोला 1,000 रुपया। इसने क्या किया कि इसने उसको 2,000 रुपया दे दिया। मैंने कहा यार तुमने उसको 2,000 रुपये को दिया है? कहते इतनी कीमत सुनकर मेरी दोबारा फट गई। यार तुम्हारी बीवी को इंग्लिश आती है? नहीं यार, मेरी बीवी गांव की है। और मैं समझा शायद तुम्हारी है। Thank you.